गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है भाइयों आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक लगातार प्रयासरत और 11,000 अतिथि शिक्षक फिर बाहर हो चुके हैं, रेगुलर शिक्षक आ चुके हैं। और एक पत्रकार ने जब मुख्यमंत्री जी से पूछा कि अन्य राज्यों में अतिथि शिक्षकों के लिए पॉलिसी बनाई गई है नियमितीकरण को लेकर, क्या आपके मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा हो रहा है, तो मुख्यमंत्री जी वहां से उठकर चले गए, कोई जवाब उन्हें नहीं दिया। इससे लगता है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के बारे में सरकार कुछ नहीं सोच रही है। यहां पर अपडेट, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन भोपाल मध्य प्रदेश विषय अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण विषयक सम्मानीय मामा जी, यहाँ पर शब्द आप देखें और मामा जी से पुकार लगा रहे हैं मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर, अपना रोजगार बचाने को लेकर दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, सादर विनम्र निवेदन है कि मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में विगत 15 वर्षों से अत्यंत ही अल्प मानदेय में अतिथि शिक्षक कार्यरत रहे हैं। इतने अल्प मानदेय में घर की जिम्मेदारियों का पूर्ण कर पाना भी संभव नहीं है। बहुत से अतिथि शिक्षक कार्य करते हुए आर्थिक समस्याओं के चलते काल के गर्त में भी समा गए हैं। नई भर्ती से केवल कुछ भी जीवन नहीं सुधर सका है, से सभी समस्याओं से ही जूझ रहे हैं। महोदय, अतिथि शिक्षक भी नियमित शिक्षक की भांति ही संपूर्ण शासकीय कार्य करते हुए अपना पूरा समय विद्यालय को देते हैं। और अतः महोदय, निवेदन है कि मांगों को पूर्ण कर अतिथि शिक्षकों को भी अपना आशीर्वाद प्रदान करें। कुछ मांगे अधोलिखित हैं। नंबर एक, अन्य राज्यों की भांति मध्य प्रदेश में भी अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण किया जाए। दूसरा पॉइंट है, जहां अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं वहां उस पद को रिक्त नहीं माना जाए। तीसरा पॉइंट, अतिथि शिक्षकों को 12 माह का सेवा काल एवं सम्मानजनक वेतन मानदेय प्रदान किया जाए। सादर धन्यवाद सहित निवेदक समस्त अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, सहायिका, ग्राम रोजगार सहायक सभी सरकार से मांग कर रहे हैं और अपने मानदेय वृद्धि को लेकर, अपने नियमितीकरण को लेकर, अपने भविष्य बचाने को लेकर, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। बाकी आप क्या बताना चाहते हैं जरूर बताइए। मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।